छोड़ छोड़ दो छोड़ दो अभी जो कर रहे हो छोड़ दो छोड़ दो सब छोड़ दो कुछ नहीं करना सीधा सीधा कमेंट्स में जाओ एक टीम का नाम लिखना है बस एक टीम मतलब मैं तुमसे रीजन भी नहीं मांग रहा कुछ नहीं मांग रहा तुम्हारी फेवरेट टीम हो सकती है तुम्हें कुछ भी पसंद तुम्हारा फेवरेट प्लेयर हो सकता है उस टीम के अंदर लाइक मेसी पी कुछ भी हो सकता है एक टीम का नाम लिखना है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग विल विन द यू इस साल सीधा एक बोल्ड स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है एंड डू इट अभी तो भाई नॉकआउट से शुरू भी नहीं हुए पागल बनती लगेगी बट ठीक है कर दो एक बारी क्योंकि मेरे लिए मैन सिटी होने वाली है वो एंड सीज़न आई थिंक जब यू शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी मेरे लिए मैन सिटी थी लाइक पी एच डी ठीक है चली गई थी, थी बट मेरे को था पी एच डी माइट गो टिल द फाइनल और फाइनल में जाके मैन सिटी से हार जाएगी बट बट ठीक है हम मैन सिटी के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर तो ठीक है मैन सिटी क्यों मेरे लिए क्यों है लास्ट सीजन जब हारी थी मैन सिटी यूसीएल फाइनल हारी थी चेल्सी के साथ तब मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाया करता था कतई ऑंगले में बकजोती झाड़ा करते थे हम तो आई सेड इट कि भाई मैन सिटी इज गोइंग टू विन द चैंपियज लीग कम्फर्टेबली वर्स इज चेल्सी बिकॉज आई वॉज अ फूल लाइक लाइक पेपगॉडियोला शुड़ा से पेपगॉडियोला क्यों क्योंकि चेलसी खेला करती भाई चेलसी प्लेड सिंपल फुटबॉल हाँ मतलब तुम बोल सकते हो तुम लोग बच्चों से झाड़ सकते हो कि नहीं डिफेंसिव है बोरिंग है ये है नहीं 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 देट इज़ सिंपल फुटबॉल हाँ मतलब मतलब अगर तुम मैन सिटी के साथ कंपेयर करोगे तो मैं मैन सिटी की फुटबॉल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह रहा बट स्टिल थ्रेड इट इज़ अ थ्रेड बेस्ड फुटबॉल और काफ़ी निटेड नेटवर्क रहता है एक पूरा और चेल्सी का इन कम्पेरिजन इज वेरी सिंपल ठीक है तुम लोगों ने डिफेंस मतलब उनकी मेन प्रायोरिटी रहेगी डिफेंडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स ठीक है हम हम पिछले साल की यूसीएल सी एल के बाद बगचौदी ऑलरेडी झाड़ चुके हैं पूरा ज्ञान जोत चुके हैं हम पूरा साल पूरा साल वो चलता है पर अब इट इज लाइक मैन सिटी स्टिल डूइंग दैट थिंग एंड इट इज़ इनफ इट इज़ इनफ टू विन दैम द चैम्पियंस लीग कम्फर्टेबली पिछले साल इट वॉज इनफ इस साल इट इज़ स्टिल इनफ और आज की गेम अगर मैं बात करूं मैन सिटी वर्सेस पीएसजी एच एम ए सरप्राइज कि चलो ठीक है सबसे पहले अगर तुम बोलोगे कि इतना भी क्या कर दिया मतलब इतनी भी क्या टू वन ही तो जीते हैं और एक टाइम पे तो भाई पीएसजी लीड कर रही थी तो नहीं जब पीएसजी लीड भी कर रही थी ना इट वॉजेंट जस्टिफाइंग द गेम इट वॉजेंट जस्टिफाइंग द गेम जब पी लीड भी कर रही थी वो ठीक है एज आई सेड कि इट वॉज इंडिविजुअल ब्रिलियंस शुड आई से इंडिविजुअल ब्रिलियंस मतलब तुम समझ जाओ कि क्योंकि उस टीम के पास है मैसी ने मार एम बेपी एमिन एम उन्होंने एमिनियम को खाली छोड़ा और एमिनियम को तुम खाली छोड़ोगे क्या करेगा वो तो बार रैप करेगा और उन्होंने रैप कर दिया उनको तुमने एक मौका दिया उन्होंने कर दिया दूसरी बार कर देता नेमार नेमार ने खाली गोल छोड़ा तो उसकी बकचोदी थी बेचारा सहेगा अब रोएगा घर जाके सेकेंड आए हैं कम टफ कंपटीटर मिलेगा लग जाएंगे उनके राउंड सिक्सटीन में बाहर हो गए तो फिर तो अल खलीफी गांट तोड़ेगा सबकी पर ठीक है हम पी एच डी को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए पी एच डी का साइड रखो मैन सिटी पर आओ तो भाई मैन सिटी की बात अगर मैं करूँ ना तो मुझे सबसे पहले लाइक like, एक एक वो रहता है एक, एक शॉकिंग स्टेटमेंट रहता है कि हाउ इज दिस टीम रनिंग लाइक सब लोग कहते हैं हाउ इज दिस टीम रनिंग विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर अ प्रॉपर स्ट्राइकर ठीक है उतरे थे बर्नाडो सिल्वर नंबर टेन रखा था फोर थ्री थ्री था जिन शकों को खिलाया था तो इट वॉज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि ठीक है मे बी इट वॉज एक बिल्डअप टाइप बेस्ड फुटबॉल ज्यादा भाई जब भी ऐसे ऐटे उतारता है ना विदाउट लाइक अ प्रॉपर स्ट्राइकर पेप गॉडी वाला उतारता है इट इज़ उसका एम सिंपल रहता है कि मुझे मल्टीपल गोल गोल्सोर स्कोर चाहिए फ्रॉम द शीट और काफी सही बिल्डअप रहता है एंड ठीक है गुंडवान आने वाला था स्कोर शीट के ऊपर बर्नाडो सिल्वा क्या क्या, क्या क्या मैसी बना दिया बर्नाडो सिल्वा को इस टीम के अंदर इट इज लाइक प्राइम हिट कर रहा है बर्नाडो सिल्वा अपना पर ठीक है अब तुम एक जगह ना दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेट करो कि दिस टीम को तुम दे देते हो पकड़ा देते हो एक प्रॉपर स्ट्राइकर फेर गैब्रियल जदूस तो फिर वो तुम्हारी खोल के रख देगी जैसा उन्होंने करा गैब्रियल जदूस आया जिनशेको की जगह और मे मेरी वो देख के ना आई वो सरप्राइज तुम लोग कहोगे क्यों सरप्राइज क्योंकि मैन सिटी कैन डोमिनेट यू वन ट्वेंटी मिनट्स विदाउट सिंगल सब्सटीट्यूशन ये मुझे मुझे मैन सिटी के बारे में ये चीज़ कभी समझ नहीं आती हाउ आर दे एबल टू डू दिस मतलब मैं मैं उसी वक्त जाके मैंने बायन का देखा कि वो लोग कितनी ऑफ्टन करते हैं सब्सटीट्यूशन इट इज़ लाइक like उन्हें हर गेम में यू रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है हर गेम में साठ मिनट सत्तर मिनट पचास मिनट वो अपने स्ट्राइकर बदलते हैं हर हर गेम में चार से पाँच सब्सिटीट्यूशन कर देते हैं वो लोग उन लोगों के लिए नॉर्मल बात है और मैन सिटी वो एक सब कर रही है ना इट इज़ लाइक बहुत कुछ चेंज होने वाला है एक सब से मैन सिटी की पूरी गेम में ऊपर नीचे की भाषा आ जाती है पूरी की पूरी क्योंकि उसके बाद वो लोग वो बिल्डअप फुटबॉल पे नहीं जाते उसके बाद वो लोग जाते हैं चांस क्रिएशन फॉर दैट प्रॉपर स्ट्राइकर और आज की गेम में लेट मी रिमाइंड यू उनके पास जैक ग्रिलिश नहीं था हाँ ठीक है तुम गाली दे सकते हो भाई ओवर रेटेड प्लेयर है और बक्चौधी झाड़ता है बस फील्ड पे कुछ ज्यादा नहीं करता बट ठीक है जैक ग्रिलिश है वो सौ मिलियन का है जो भी है जैक ग्रिलिश है कुछ है उसके अंदर तभी तो उसको लेकर आए हैं केविन डिब्रोइन केविन डिब्रोइन हाँ ठीक है डिबेटेबली इस 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 टाइम का जनरेशन का बेस्ट मिडफील्डर मिड फील्डर नहीं था इस टीम में उसके बाद तुम फेरन टोरेस प्रॉबेबली जिसको बीस्ट बना दिया है एक अगेन पेप बेब ने वो भी नहीं था एंड इन सब के एबसेंस के अंडर भी इट वॉज इट वॉज अ मैन सिटी शो और प्रॉपर डोमिनेशन आई वुड से कि ठीक है इट वॉज लाइक पासिस देखो पोजेशन देखो इक्वल लगता है टोटल तो एक तुम बोल नहीं सकते कि प्रॉपर डोमिनेट करा बट देन इट कम्स टू कि ठीक है पी को पी एच डी मेड सेवेंटी अटैक्स इन दिस गेम सेम नंबर ऑफ पासिस सेम नंबर ऑफ पोजेशन अटैक्स क्यों क्योंकि वो लोग पास अप, अपने हाफ में रख रहे थे मैन सिटी इतनी कुत्तों की तरह प्रेस कर रही थी उनको उनको आगे निकलने नहीं दे रही थी कते ही मतलब मैं क्या ही बोलो रॉड्री कंसेलो इन दोनों प्लेयर्स के तो नाम पर हिला सकता हूँ मैं इतना इतना सेक्सी खेलते हैं ये दोनों कंसेलो स्पेशली लाइक और उसके बाद तुम बात करते हो कि भाई मैन सिटी की प्रेसिंग आगे तुम्हारे पास बर्नाडो सिल्वा है तुम्हारे पास नंबर टेन अगर वो खेल रहा है तो जैसे एक फ्री रोल भी अगर तुम उसे दे दोगे वो फिर भी प्रेस करेगा खड़ा नहीं रहेगा रहीम भाई इस का तो करियर खत्म हो जाना चाहिए था ना इसको तो बार्सलोना आ जाना चाहिए था दान के रूप में हकीमी वाले विंग पे ये कैसे बकचोदी मचा रहा है मतलब कैसे हकीमी वाले विंग को कैसे डोमिनेट डौ कर रहे हो हकीमी तो बेस्ट राइट बैक होना चाहिए ना इस वक्त पेस का बादशाह क्या कुछ नहीं कहते लोग उसके बारे में इट इस मैन सिटी मैन टीम अगर तुम्हारी है ना तो तुम्हारा बेस्ट गेम निकलेगा गे, ही निकलेगा ये तुम अपने अगर सोसाइटी में भी जाके खेलोगे तुम्हें तो पता है तुम्हें बट देन अगर इफ यू टॉक अबाउट मैन सिटी सेम नंबर ऑफ पोजिशन सेम नंबर ऑफ पासिस डबल अटैक्स एक सौ चालीस अटैक करे आज की गेम में पी एच डी सत्तर और लेट मी रिवेंट यू पी एच जी के पास स्ट्राइकर ऑप्शन तुम्हें पता है क्या क्या है तो इट इज लाइक अगर अगर मैं एक नॉर्मल कोई टीम मतलब लॉजिक लगाओ अगर तुम्हें मेरे सामने एम बैपे नेमार मेसी तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा अटैक कर पाऊं ताकि इन लोगों से ज्यादा से ज्यादा गोल निकाल पाऊँ और ठीक है आई वुड से कूडोज टू भाई इन तीन प्लेयर एम इन कि उनको जितने भी चांसेस मिले दे मेड श्योर कि उनसे वो कुछ ना कुछ बना पाए एम्बापे का एक शॉट गया ऊपर से चला गया चलो ठीक है Neymar ने मारने वो खाली गोल के सामने ऑलमोस्ट गोल मारना बनता था उसका वो वो हक दिया बट स्टिल अगर तुम देखो दूसरी जगह मैन सिटी जिनके पास नहीं है मैसी नहीं है एम्बापे नहीं है नेमार नहीं है वो जा रहे हैं गोल तक पूरा थ्रेड बना रहे हैं फर्स्ट हाफ में नहीं वो लोग वो वही एज ए सेट कि वो कुंडे वो वो राजा बन चुके थे जो कुंडी बजाया जा रहा था अंदर नहीं आ रहा था जो कुंडी मत खड़काओ राजा वो कुंडी खड़का रहे थे फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में वो सीधा अंदर आ गए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ठीक है भाई मैन सिटी ये गेम नहीं जीत पाएगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट टिल द नाइनटीथ अगर नाइन्टीथ मिनट तक भी वो वन जीरो ट्रेल कर रहे होते तो मेरे को पक्का था भाई वो टाई करके छोड़ेंगे इट इज़ मैन सिटी और ठीक है फर्स्ट लेक की अगर तुम बात करोगे ठीक है इट वॉज अ डिफरेंट गेम इट वॉज अ डिफरेंट सिनैरियो उनके प्लेयर्स नहीं चले अगेन खाली गोल छोड़े तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन ये है कि अगर तुम इस मैन सिटी को अगर एक थ्रेट नहीं लेकर चल रहे जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर अगर तुम फेर इन टॉरेस को एक प्रॉपर स्ट्राइकर कंसिडर नहीं कर रहे तो तो ये तो बकलोली हुई ये तो सीधे सीधी बकलोली हुई उनको जरूरत ही नहीं है इट इज लाइक दे दे मेक यू फील दे डोंट नीड वन और ठीक है मैं, अब मैं अगर तारीफ करने पर आऊँ हाँ तो भाई बर्नाडो सिल्वा क्या प्लेयर है क्या मतलब वो महारे इन प्लेयर्स का बेस्ट निकाला है भाई स पेप गोडियोला ने और तुम कहोगे ठीक है यार पेप गोडियोला के पास इतनी हाई बजट टीम है तो उनका जीतना बनता है लाइक like, तुम देख लो भाई बायन म्यूनिक वो जीती उनकी कितनी हाई बजट टीम थी चेल्सी की कितनी हाई बजट टीम थी तो इट लाइक अब अब फुटबॉल पैसा हो चुका है बट बट नहीं. नहीं तुम फुटबॉल का नेचर का डिफरेंस देखो इन चेल्सी भाई बाय म्यूनिक मैन सिटी और कौन बरियार मेडल के बाद बहुत पैसा है क्या इन सारे क्लब्स के जो भी सक्सेसफुल क्लब रहता है लिवरपूल के पास इट इज़ नॉट लाइक गरीब तो वो भी नहीं है बहुत पैसा उन लोगों के पास बट तुम डिफरेंस देखो आइडेंटिटीज़ है इन टीम की अपनी अपनी एंड देन आई वुड से इन सब के अंदर मैन सिटी की एक ऐसी आइडेंटिटी है विच विल मेक यू फील फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट टिल द लास्ट कि दिस टीम इज इज़ बेटर देन द अदर टीम चाहे वो कोई भी टीम के खिलाफ खेल रहो कोई भी टीम के इवन तुम अगर उन्हें बायन के खिलाफ रख दोगे इस टाइम पे बायन डेडली एज फक बट स्टिल वो तुम उन मिडफील्ड में डोमिनेट करेगी ज्यादा चांसेस बनाएगी और एट दी एंड इफ यू प्रोवाइड दैम अ प्लेयर हु कैन फिनिश दो चांसेस तो बायन कहीं नहीं टिकती उनके आगे बायन दूर दूर तक नहीं टिकती मैन सिटी के आगे मैन सिटी के पास बेंच है मैन सिटी के पास बेंच है सब ये कहते हैं वो बेंच जो वो यूज भी नहीं करते पर उनके पास डेप्थ है तो उस उस डेप्थ की बात अगर मैं करूँ फोन एंड को आज बिठा रखा था बेंच के ऊपर जेम्स मैकेटी गोल पामर ये दो प्लेयर डेविड सिल्वा क्लोन्स कहते हैं इनको डेविड सिल्वा क्लोन्स की ये दोनों भाई जुड़वा भाई हैं डेविड सिल्वा के अंदर से भाई निकाल के इन दोनों को बनाया गया है तो तुम सोच सकते हो कि अगर वो दोनों किसी दिन अपने प्राइम पे आके साथ में स्टार्ट कर रहे होंगे इट इज़ लाइक गोइंग टू बी अ मैजिकल शो ऑन द फील्ड डेविड सिल्वा को जिस जिससे अपने प्राइम पर देखा उन्हें पता है भाई कि वो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता था ही वॉज अ लिट्रल मजिशियन उसके टर्न्नस उसके प्रोसेस उसके उसके थ्रू बॉल्स वर एक्सीलेंट और अगर मैन सिटी को तुम ऐसे दो प्लेयर और दे दोगे वो तो फाड़ कर रख देंगे तुम्हारी मैन सिटी के बारे में अगर मैं इतनी क्रेजीली बात करता हूं तो इट इज बिकॉज आई लुक एट दिस टीम एंड आई वंडर कि इन्हें किस चीज की जरूरत है इन्हें किस चीज की जरूरत है लाइक like, अगर तुम चेल्सी देखो लुका को इंजर्ड हो जाता है कोई भी इंजर्ड हो जाता है वो लोग फिर भी जाते हैं चार गोल मार के आते हैं यूव की जगह फिर अगर तुम उनसे पूछोगे इस टीम को किस चीज़ की जरूरत है तो ठीक है कुछ कुछ गेम्स में इटर लाइक like कुछ ज्यादा डिफेंसिव होकर बैठ जाते हैं बट देन रिजल्ट निकाल लेते हैं बट ठीक है कुछ गेम्स में इसी वजह से रिस्क हो जाता है पिछली बार यू से हार गए थे सेम रीजन की वजह से क्योंकि एक स्पार्क बीच में से कोई एक गोल निकल जाता है ओपोनेंट की टीम का एंड देन यू आर ट्रेलिंग ऑन द अदर हैंड अगर तुम ले लो बाय एंड ऐसी टीम्स जो भी तुम्हें डोमिनेट कर 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 करके मारती है बाय एंड म्यूनिक रिसेंटली हार गई एक टीम के साथ मैंने मैच देखा वो नाम भूल गया ए से कुछ था बट स्टिल मैच मैंने देखा एंड उसके बाद मुझे पता लग रहा था इट वॉज जस्ट कि अगर बाय एन म्यूनिक कान डिफेंड एट मोमेंट्स बाय एन म्यूनिक लिटरली कान डिफेंड एट मोमेंट्स इट इज लाइक उन्हें पता है कि वो लोग डोमिनेट ही इतना करते हैं कि सामने वाली टीम को चांसेज ही नहीं मिलने देंगे टू किल टू किल दैम लेकिन अगर तुम एक बार उन्हें पोजिशन में डोमिनेट कर दो तुम उनको आगे से किल करने की कोशिश करो तो भाई वो वो डिफेंड ही नहीं कर पाते दे बिकम क्लूलेस तो हर टीम के ऊपर एक ना एक 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 आइडेंटिटी रहती है कि भाई ठीक है ये हमारा प्लस पॉइंट है बट एट द सेम टाइम एक माइनस पॉइंट रहता है बट जब मैं मैन सिटी को देखता हूँ उनका माइनस पॉइंट मुझे बस ये दिखता है कि पेप गोडिओला इज थी ओवर थिंकिंग भाई पेपगोडियोला हक दिया पेप गोडिओला ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया क्योंकि अगर पेप पेपगोडियोला कुछ ज़्यादा नहीं सोचता वो अपना नॉर्मल फुटबॉल खिलाता तो मैन सिटी हैज़ गॉट नो ओपोनेंट दे डेंट हैव एन ओपोनेंट लास्ट ईयर जब वो लोग हारे चेल्सी से दे डोंट हैव एन ओपोनेंट राइट नाउ बट पी एच जी जो कि पेपर के ऊपर यूसीएल विनर है ऑलरेडी यू सी एल विनर है पेपर के ऊपर लाइक यू सी अगर तुम फीफा के ऊपर खेल हो फिर तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता बट ठीक है अगर तुम ऐसे देखो ना यू सी इतने तमाम मैचेस लीग वन हो यू सी एल हो सारे मैचेस देखने के बाद भी इट इज़ लाइक मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया कि उनका गेम प्लान क्या रहता है आई ज स्टूडेंट मेरे को तो बस ऐसा लगता है कि उनका मेन गेम प्लान है टू फीड एम बेपे एंड प्रे कि उन्होंने नेमार और मेसी को इसलिए रखा है मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने पूरी टीम को इसलिए रखा है टू फीड एम बे एंड प्रे कि एम बे इज गोइंग टू परफॉर्म इन दैट मैच अगर वो कर गया तो ठीक है वो नहीं करा तो इट इज़ लाइक ओके रैप अप थिंग्स कॉल मतलब पोचे को आग लगाओ जो मर्जी है प्लेयर्स को करो डिग्रेड मेसी इज अ फेलियर एट पी एच डी ये बोल दो और साइड हो जाओ क्योंकि क्योंकि मुझे कोई आइडेंटिटी ही नहीं दिखती पी एच जी के गेम प्ले के अंदर मुझे एक टाइम के अंदर भी ऐसा नहीं लगता कि ठीक है दिस इज दे आर प्योरली काउंटर अटैकिंग बेस्ड क्योंकि नहीं लीग वन देखो दे आर नॉट काउंटर अटैकिंग बेस्ड दे आर मोर ऑफ लाइक पोजिशन डोमिनेट करना पसंद है उनको बट ठीक है जब उनकी फटरी होती है तो वो लोग काउंटर अटैक्स पर जाते हैं आज के मैच में जब जब भी उन लोगों के थ्रेड लगा कि ठीक है अब अब मे बी गोल हो सकता है तो उनमें से मोस्टली वर्क काउंटर अटैक्स फिर अगर तुम बात करो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल की तो ठीक है उन लोगों के प्रोसेस आर नॉट एट ऑल एक्यूरेट ऐसा लगता है इस टीम के अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं आगे जाके मैन सिटी आर गोइंग टू विन द चैम्पियंस लीग दिस सीज़न बहुत जल्दी है ये प्रोडिक्शन करने की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हमारे पास बहुत ही टाइम है हम क्या होगा ज़्यादा गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत ही नहीं है वापस आके इस वीडियो पर नीचे गाली लिख देना कि यारे चूती है तेरे तो प्रोडिक्शन गलत होगी मुझे बुरा नहीं लगेगा बट इट इज़ लाइक मुझे पता है कि आई एम बैकिंग अ टीम विच इज़ ब्रिलियंट